نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله رب العالمين الله رب العزت نے قرآن مقدس دے اندر کئی ایسے اسہل انداز نال احکامات بیان فرمائے ہیں تاکہ کوئی بھی بنی آدم نال تعلق رکھن والا آدمی میں اللہ دی رحمت تو محروم نہ رہے کیونکہ لقد کرمنا بنی آدم تمام مخلوقات وچو اللہ نے صرف اور صرف مکرم انسان نو ہی بنایا ہے بلکہ اللہ کریم نے اتھو تک بھی فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها ساری کائنات نو میں اپنیاں نعمتاں نال اگر سجایا ہے تو صرف اور صرف انسان واسطے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانِ در حقیقت انسان اگر اپنے وجود بھی مطالعہ کرے غور و فکر کرے تو اس دا وجود بھی میں اللہ دی طرفو بہت بڑی نعمت ہے تو اس واسطے اللہ کریم نے سلسلہ نبوت اختتام پذیر فرمایا مکمل اور مکفل فرمایا وجود باجود خیر الانام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جس طرح نبوت دا مرکز بن کے آیا سوڑا محمد الرسول اللہ
इसे तरह अल्लाह दी तमाम रहमतां और बरकतां दा खजाना बन के आया कुरान कलामुल्ला। अल्लाह दे कुरान ने बड़ियां जटाके अंदाज दे अंदर मिसालां बयान फरमाया है। क्योंकि हर इंसान दा मिजाज और तबीयत और दिल और फहम व बसीरत यकसान नहीं होती, तो इस वास्ते कुरान पाक ने हर ओ अंदाज अपनाया है जिस दे जरिए मेरा कुरान पाक हर इंसान वास्ते हिदायत दा खजाना बन जाए। कई अमसाल बयान करने दे बाद अल्लाह फरमाता है फातबिरू या उलिल अबसार, के इना मिसाला और इना अहकामात चों उलिल अबसार साहबे बसीरत ही इबरत हासिल कर सकते हैं। किस जगह ते फरमाया या उलिल अलबाब कि साढ़े कुरान पाक नो समझ ओ सकता है जड़ा अकल और समझ और ज़हानत रखण वाला होवे। मगर नाल ही फरमाया यस्सर नल कुरान, असा कुरान पाक नू ऐसा नहीं बनाया कि इंसान दे अकलो दिमाग दी दस्तरस तो बाहर होवे, बल्कि यस्सर नल कुरान कुरान पाक दे हर लफ्ज नू ऐसा आसान बनाया है ताकि हर आम फहम इंसान नू साडे कुरान दी समझ आ जावे। इस वास्ते जिस कौम दे अंदर अल्लाह दे महबूब मबऊस हो गए ओ कौम सिरियां दी अनपढ़ और जाहिल आई। उन्हां तक कबल अज नबुव्वत मुहम्मदुर रसूल अल्लाह दे इल्म नाम भी उन्होंने कोई ना सुनिया होया कि इल्म केड़ी शय होती है। इतनी खस्ता हालत इल्मी पोजीशन रखने वाली कौम के सामने जदा सोड़े मुहम्मद मुस्तफा ने कुरान पढ़ के सुनाया है तो उस जाहिल कौम नो भी फौरन अल्लाह दे कुरान दी समझ आ गई। जो ही उन्होंने अल्लाह दी लारैब कलाम दी हकानियत और सदाकत दा पता चलिया, सिर्फ उसकी सदाकत का नहीं पता चलिया नाल नाल अल्लाह की किताब मुकद्दस की तासीर का भी पता चलिया कि इस कलाम मुकद्दस के अंदर कितनी तासीर है। तो सब तो पहले अल्लाह के पैगंबर के सामने उन्होंने यही मुतालबा रखिया इत्तबे कुरान इन गैरे हाजा, ये कुरान नहीं होना चाहिए, इसका कोई मुतबादल लाया जेड़े सिर्फ मौलवी समझ सकन ते जट्टां नू समझ ना आवे। यानी इतनी अनपढ़ जाहिल कौम नू भी अल्लाह दी किताब कुरान पाक दी समझ आई
तो जिहड़ी एक आम फहम ज़हन रखण वाली कौम कुरान नू समझ सकती है उस किताब नू उलमा नहीं समझ सकते। तो ये अल्लाह करीम ने अपनी कलाम मुकद्दस की अजमत जाहिर फरमाई है कि यस्सरनल कुरान लिज़िक्र फहल में मुद्दकर, ए कुरान पाक असा समझण वास्ते तो इंतहाई दर्जे दा आसान बढ़ाया, बस हुण इंतजार ए है कि केड़ा बंदा आके मैं रब दे कुरान कोलो नसीहत हासिल करेगा। इस दे आसान करण दे अंदर तो असा किसे किस्म दी कोई कमी बाकी नहीं रखी। तो अल्लाह दे कुरान दे मुतालिक मुख्तलिफ किस्म दे लोगों ने मुख्तलिफ एतराजात ऐसे कीते। एक दिन तो सोड़े मुहम्मद करीम नू आखन लगे कि ए फलां आदमी कोलू राती जाके गल्ला सिखांदा है, सुबह सवेरे आंदा है कि ए अल्लाह दा कुरान है। अल्लाह ने जवाब दिता, लिसानुल्लज़ी युल्हिदून इलैहि अअजमीयुन वहाज़ा अरबी, जिस बंदे दी तरफ मेरे पैगंबर दी निस्बत करदे हैं कि ए फलां आदमी कोलू ए सिख के आंदा है, ओ आदमी तो अजमी है। वहाज़ा अरबी, मेरा मोहम्मद भी अरबी है ते मेरा कुरान भी अरबी है। एक किस तरह हो सकता है कि मुअल्लिम अजमी होवे ते शागिर्द अरबी होवे? कुरआनन फरकना हो लितकराहु अलन्नास अला मुक्सिद, असे इस कुरान पाक दे अंदर मुख्तलिफ अहकामात ठहर ठहर के ताई बयान फरमाए हैं, जिवें लगातार मुसलसल बारिश होवे तो पानी लुढ़ वेंदा है, एक एक कणी ढांदी रवे तो जमीन जज्ब करदी है पींदी रह वेंदी है। अल्लाह फरमाता है असा भी अपनी हिकमत दे तहत थोड़ा थोड़ा करके कुरान नू रहमत की बारिश बरसाईंदे रहे हैं ताकि सुनण वालिया दे दिल वाले रकबे के अंदर मेरा कुरान जज्ब होता रह जाए। वनज़लनाहु तंज़ीलन, असा बड़े आसान तरीके नाल मौका पर मौका कुरान पाक नू नाजल फरमाई दे रहे। कुरान पाक के अंदर एक जगह ते अल्लाह ने फरमाया कि यह जड़ी शराब है ना, ये बहुत बड़ी नुकसानदेह है। वह कसीरन व मुनाफ़िउ लिन्नास, नुकसानदेह बड़ी है, अलबत्ता तुहाडा कारोबार जो होता है तुहानू ये नफा भी बड़ा दे दी। यानी इब्तदाई अय्याम नबूवत के अंदर अल्लाह ने थोड़ा जिया नरम जिया हुक्म दिता, हराम है अलबत्ता तुहानू ये नफे ही बड़े दे दी पई है। फिर कुछ दिन गुजरे, अल्लाह करीम ने फरमाया इन्नहु रिजसुम मिन अमल शैतान, वे निरी पलीती ने शैतान दा काम इने, फहल अंतुम मुंतहून, हुण रुकसो के कोई ना रुकसो। यानी मरहला वार अल्लाह दे कुरान ने अहकामात बयान फरमाए ताकि रफ्ता रफ्ता सुनन वाली कौम दे दिल दे अंदर अहकामात इलाहिया दी अजमत पैदा हो जाए। जदों अहकामात मुकम्मल होए अल्लाह ने फरमाया तिबयान लिकुल शैइन व हुदन व रहमा,
असा हिदायत दे हर मसले नू खुल के बयान कीता है तो सिर्फ अपनी किताब मुकद्दस कुरान दे अंदर बयान फरमा दिता है। तो खैर बहरहाल अल्लाह दे पाक पैगंबर नू बार बार मुतालबा जो करते रहे कि कुरान पाक वापस कर या इसे तब्दीली पैदा कर, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ये मेरे इख्तियार च नहीं है, इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैया, मैनू ओ जिवें पैगाम देंदा है मैं तो उस दे पैगाम दी ताबेदारी करके विकावड़ी है, मैं इसे तब्दीली नहीं लिया सकता। हुण जदों उन्होंने देखिया ये कुरान पाक तो नहीं जाता, उस आखन लग गया लौला उनज़िल इलैहि मलकुन, चलो असा मान लेने हैं जे तू सच्चा रसूल भी है अल्लाह का कुरान भी है, मगर तेरे नाल एक फिरिश्तिया की फोर्स बॉडीगार्ड होने चाहिए। अजिवें वडेरे बंदे दे गन मायन होंदे हैं, लिहाजा तेरे भी सज्जे खब्बे अगे पिछे बॉडीगार्ड होने चाहिए ताकि पता तो लगे जिथे तू जा रहे हो, वेखण वाले नूं पता लगे कि वाकई ये अल्लाह का भेजा नुमाइंदा है, अल्लाह का सच्चा रसूल है। जे ये भी ना कर सके औ तकून लहू कंज़ुन, तो तेरा कम अज कम सोने का घर होना चाहिए, उतर का फिस समा, जे वाकयतन तू अल्लाह दा सच्चा रसूल है तो सारी अखी दे सामने आसमान ते चढ़वा, हत्ता के आखिन लन नुमिन लका, असा फिर भी तेरी रिसालत ते ईमान कोई नहीं ले आवना जे तू बिल फर्ज साडी अखी दे सामने बगैर असबाबा दे आसमान ते चढ़ भी जावे। हां फिर मनसा ले रुकिये का हत्ता तू नज़िल अलैना किताबन, अल्लाह कोलू साडे नां दे खत लिखा के लै आ, साडे नां लिखे हुए होवे न उस च लिखे हुए होवे कि ओ अबू जाल ओ अबू लाव ओ फलां यार मन लो ये मेरा भेजे होया ही मुहम्मद रसूलुल्लाह है, फिर तो तस्लीम कर ले सर। नबी अलैहि सलातो वसलाम खामोशी नाल सुनते रहे, आखिरकार आखन लगे जे बिल फर तू साडे नां दे खत लिखा के लै भी आवे ते तू आखे ए वेखो मियाँ अल्लाह ने तुहाडे नां दा रुका लिख दिता है, असा वत भी कोई तसलीम न करा ओहू जब तक असा अपने हत्था एचो खत लै के खुद पढ़ ना लईए। अल्लाह दे रसूल ने फरमाया तो चूंकि अल्लाह का महबूब नुमाइंदा है अल्लाह का, जिमें जिमें उन्होंने मुतालबात किए सोने पैगंबर ने तो हूँ जवाब उन्नी देना है ना जेड़ा जवाब अल्लाह ने मुहम्मद करीम नु सिखावना है। तो फरमाया कुल, इन्हां दे मुतालबे सुन लै जी, हूँ तय सोने मुहम्मद पाक दे बोलण दा टाइम है, तुसा बोलो सुबहान रब्बी सुबहान रब्बी, ओ जात इतनी मुबर्रा मिन कुल आयब है कि जिथे इंसान का दिमाग पहुंच सकता ही नहीं है, वो ऐसी जातो सिफात का मालिक है कि उसकी जात और सिफात के अंदर मैं मुहम्मद भी इख्तियार नहीं रखता। मेरी हैसियत क्या है, हल कुन तो इल्ला बशरन रसूलन, मैं पहले नंबर ते बशर हाँ, दूसरे नंबर ते भेजो कहिंदा हाँ अल्लाह दा।
सोना पैगंबर सिर्फ बशर नहीं है बल्कि सैयदुल बशर है। सारी बशरियत का सेहरा बन के आया है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह आया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इत्थे उन्हें आख्या है भाई तू चढ़ आसमान ते। अल्लाह दे रसूल ने फरमाया सुबहान रब्बी ए मेरे इख्तियार च है, मैं तो बशर हाँ अल्लाह दे रसूल। जदा फिर चढ़ाई दा टाइम आया है सोहरे मुहम्मद करीम नू अल्लाह ने उत्तां चढ़ाया है उस वक्त भी लफ्ज बोलिया सुबहान। जदा पैगंबर नहीं चढ़ सकता पिया उदो भी फरमाया सुबहान रब्बी, जदा चढ़दा पिया उस वक्त भी फरमाया सुबहान अल्लज़ी असरा बे अब्दे। क्या मतलब है कि मेरा सोना मुहम्मद रसूलुल्लाह असा इन्हों मसला यह समझावना आई कि खुद पैगंबर बैठा आता है कि हल कौन तो इला बशर ते लोग आखना है कि बशर हो के अरशा ते जा कोई नहीं सकता। असा उस वक्त भी इो आखना सुबहाना जेड़ा बशर खुद बैठा मनता है कि वो पाके मेरा उसके अंदर इख्तियार नहीं वो रब पे आता सुबहाना अल्लज़ी असरा बे अब्दिही। जदा अपने बशर नू ले जावन दा फैसला फरमाए फिर उसके फैसले दे को लत अड़ावण वाला जमे ही कोई नहीं है। ताकि दुनिया नू पता लग जाए कि पैगंबर दा आवना भी ओदी मर्जी नहीं है, पैगंबर दा उत्ते जावना भी पैगंबर दी पसंद नहीं है। पैगंबर आया तभी रब दी पसंद बन के आया है, पैगंबर उत्ते गया तभी रब दी पसंद बन के गया है। तो खैर बहरहाल मुख्तलिफ किस्म के एतराजात होते रहे मगर अल्लाह ने बार बार अपने महबूब नू यही फरमाया मेरा सोना पैगंबर इज़ा क़रात अल-क़ुरआन फ़स्तईज़ बिल्लाह, बस एक बार पढ़ छोड़े कर औज़ु बिल्लाह मिनश्शैतानिर्रजीम, फूका मार छोड़े कर हर शैतान दा मुंह मैं बन छोड़े सा तू मेरा मुहम्मद मेरा रज के कुरान पढ़ पढ़ के सुनाईदा रह गया। तो अल्लाह करीम ने एक मिसाल नाल मसला समझाया है कि इंसान दे दिल वाले रकबे नु आबाद करने वास्ते मैं अल्लाह ने लोहे महफूज तो नुजूल कुरान फरमाया। इंसान दे वजूद दा मरकज दिल ले, दिल दी धड़कन बंद तो इंसान दी जिंदगी। इसे वास्ते अल्लाह ने सब तो पहले काफरां दे दिलां ते मोहर लावण दा फरमाया खतम अल्लाहु अला कुलूबे, सब तो पहले काफिर दे दिल नू अल्लाह बंद कर देगा ते मोमिन इज़ा ज़ुकिर अल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम, मोमिन जो जो कुरान पाक नू सुनदा वेंदा है उन्ने उन्ने ओदे दिल च अल्लाह ठंडक पैदा फरमा छोड़ेगा। यानी इंसान दे दिल नू जिंदा रखण वास्ते अल्लाह ने केड़ी किताब नाजिल फरमाई कुरान पाक, यानी तेरे मेरे रूह दी ग़िज़ा बन के केड़ी किताब आई है। मगर वेख लो जितना बंदा ज्यादा बेहया हो सी मुंह फट हो सी लोग उसनू आखसन ए जिंदा दिल इंसान है, हालांकि तेरे मेरे मुर्दा दिल नू जिंदा रखण वास्ते अल्लाह केड़ी किताब नाजिल फरमाई कुरान पाक। والله نزل من السماء ماء अल्लाह फरमांदा असा आसमान तो पानी बरसाया, फ
فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا उस पानी दे आवण नाल असा मुर्दा जमीन नू जिंदा फरमाया। पहले के आई मुर्दा, उस बारिश दे आवण नाल असा उस मुर्दा जमीन नू जिंदा फरमाया। इन फी ज़ालिका लायतल लिक़ौमी यस्माउन। इसमें रब दी मिसाल दे अंदर उन्हां लोगां वास्ते मैं रब दी वादानी अदियां निशानियां मौजूद हैं जिहड़े गौर फिक्र नाल मेरे कुरान नूं सुणदे ने। यस्माउन के करे दे मालूम होया जिहड़ा कुरान पाक नूं नहीं सुनदा उस तो वड्डा मुर्दा दिल इंसान दुनिया ते होर। तेरे मेरी जिंदगी नूं सवारण वास्ते तेरे मेरे मुर्दे दिल नूं जिंदगी देवण वास्ते अल्लाह दे कुरान मुकद्दस सोने पैगंबर दे पाक दिल ते नाजिल फरमाया है। अल्लाह ने पानी दी मिसाल दे के मसला ए समझाया है कि जिवें बारिश उत्तो तले आंदी है इन्ने कुरान पाक भी उत्तो तले आया है ते बदल बन के मेरा मुहम्मद वसदा गया है। जिथे जिथे कणी रहमत दी ठांदी गई है उन्हां लोगां दे दिलां दे अंदर मैं अल्लाह ने बूटा ईमान आला फरमा छोड़िया। सोड़े मोहम्मद रसूलुल्लाह दी अल्लाह दे कुरान ने मिसाल नाल मसला समझाया है। एक जगह ते अल्लाह करीम ने फरमाया है हु अल्लज़ी अरसल रिया بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ وَرَحْمَتِي حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ اللہ دا قرآن فرماتا ہے جڑے شہر نو اساں اپنی باران رحمت نال آباد کرنا ہوئے او دے واسطے بدلا دا ہونا ضروری ہے تے بدل نو اٹھاون والی اک ہوا دا وی ہونا ضروری۔ ہواواں پہلے چل دی اندر پھر بدل اٹھی گیا۔ اللہ فرماتا ہے او میرا سونا محمد رسول اللہ اسا پہلے ہواواں چلائیاں ارسل الرياح اسا ٹھڈیاں ہوائیں چلائیاں انج دیاں ہوائیں چلائیاں کہ بشرم بین یدی تاکہ لوگاں نوں او ہوائیں کھول کے خوشخبری دیوان آلیوں مل کے بننے بننے سدھ کر لاؤ بارش آوان آلیے۔ ڈھیری بہر پئی ہوئے تو بندہ کونج لیندا بھائی یار ہوا انج دی گھلدی پئی ہے بدل آندے پے نے کدائیں بارش نہ آ جائے تے جڑے سوکے تے مردے پے اوندل او خوشیاں پے منیندے اوندل شکر یار بدل آندا پیا ہے او اپنے رقبے سیدھے پدھرے کرنا شروع کر دین دے۔ اللہ فرماتا ہے او میرا محمد تیری آمد تو پہلے اساں وی ایں کیتا ایتھے قرآن نے لفظ بولے بشرم او ہوائیں بشارت دیتی ہے اجا تو دنیا تے کوئی نہ آیا تے تیری آمد دیاں ٹھڈیاں ہوائیں میں اللہ پہلے چلا چھوڑیاں تو اجا آیا کوئی نہ آئے تے
तेरियां हवाइयां सा पहले चला छोड़ियां जिवें ईसा बिन मरियम खलादा मुबशरन बिरसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद ओ तनु बशारत आए एक पैगंबर आमर वाला है जिंदा अरशद ना अहमद है ते जिंदा फरशद ना मुहम्मद रसूलुल्लाह है ते ओ किवे अदब आए हत्ता इजा अकलत सहाबन बदल पहले आंदे ते बदल वसमले ओ आंदे जेड़े सियाई मैल होवे चिट्टे रंग आले बदल वसदे नहीं क्योंकि उन्हां दे अंदर पानी होंदा नहीं है वसण आले बदल उवे होंदे न जेड़े पानी नाल भरे होए होवे अल्लाह फरमाइंदा है ओ मेरा मुहम्मद असां वी तैनू अपनी रहमत दा बदल बण अल्लाह असा भी तैनू अपनी रहमत दा बदल बना के उठाया है खाली नहीं घलिया बल्कि तैनू कुरान अली रहमत नाल भर के घलिया है ते जदा बदल वसदा है ए नहीं वेदा के रकवा कहिंदा है फुल्ला दबा होवे तां वी वसदा पिया है जे अरूणी होवे तां वी वसदा पिया है जरखेज रकबा होवे तां वी वसदा पिया है हाँ अलबत्ता जे गुलाब दे बागां उत्ते जदा वसदा है तो ओहदे विचों फुल्लां दी महक उठींदी है गंदगी उत्ते जे बारां ने रहमत दी कतरे ढांदे पए होवे उस चों खुशबू नहीं निकलदी बल्कि नाल गंदी स्मैल निकलदी है अल्लाह फरमांदा असां ए बारिश क्यों वसाई है सुकना ओले बाला दे मईयत ताके इस पानी दे आवर नाल रकबे आबाद हो जावे जिंदगियां उन्हां नूं मिल जावे ते जिंदगियां वी कियो जियां देवण आया लनोहिये जन्नहु हयातर तैयबा सुथरी जिंदगी तुहानूं देवण आया है मतलब क्या है मेरा पैगंबर जद कुरान अली बारे खलावा सहींदा है अगू भावे रकबा अबू जाल अली गंदगी आला है अगू जे रकबा अबू लाब अली गंदगी आला है ते जे अगू रकबा दिल आला सिद्दीक अकबर वाला है जे अबू जाल तुते वसदा ते गंदगी निकलदी है असहाबे पैगंबर ते वसदा है ते ईमान अलियां महकाला बर्बाद कर देना है ऐसी मिसाल नाल अल्लाह ने कुरान पाक नू अपनी रहमत नाल मिसाल देती है कि वो बारिश आवे तो मुर्दा जमीन जिंदा हो जाती है मेरा कुरान मेरा मुहम्मद वसैंदा पे होए तो मुर्दा दिल आके जिंदा फरमा जाए यानी तेरी मेरी जिंदगी दी इसलाह दा जामिन बन के आया तो अल्लाह दा कुरान दुनिया की कोई किताब पढ़ लो कभी दिल नू सकून नहीं मिल सकता दिल नू अगर सकून मिल सी तो सिर्फ केड़ी किताब रख कुरान पढ़ इस वजह तू अल्लाह करीम ने फरमाया इन फी ज़ालिका ला आयतल लिकौमी यस्माऊ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਇੰਨੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਉਹਨੇ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਮੁਰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਰ ਤਰਬਤ ਫਿਰ ਕੁਰਾਨ ਵਾਹਦਉ ਵੱਲਉ ਅਲਾ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਇੰਨਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸ਼ਰਕੀਨਾ
है जदों तू साडा कुरान पढ़ पढ़ के सारी तौहीद खला बयान करेंदा आउंदा है क्योंकि कुरान पाक नूं मैं रब ने मसाइल दा खजाना बनाया है फजाइल दा खजाना असा कुरान नूं नहीं बनाया लिहाजा जदों तू मैं रब दा कुरान खला पढ़ पढ़ के सुनाइंदा होना है वल्लो वला अदबारे हिमनुफोरा मुशरक लोग कटदे ते नफरत करदे होया नस वेंदे बेदीन तेरे कोलो नस वेंदे मगर जिन्ना लोग दिलां दी जिंदगी मेरा कुरान पिया वधाईंदा आउंदा है ओ दोरू भज भज के ते मुहम्मद दे कदमां दे नौकर बणदे रहिंदे नफूरा ओ नफरत करे दे नफूर दा मन दी तो समझ आ रही रे अदबार दुबरा दिन कंड नू वल्लो दा मन आउंदा पिछा लौट वैना अल्लाह फरमांदा जदा तू मेरा कुरान पढ़ के सुणाईंदा ना तो मुशरक जड़ा आदमी है कंड भी करेंदा है नस भी वेंदा है ते नाल नाल कुरान पढ़न वाले दी दिल विच नफरत भी करेंदा है मुशरक दी अलामत है कुरान ते दुश्मन दी अलामत है दुनिया दी हर किताब सुन के वाछा कन्ना नाल ले सी ते जे ओदा मुंह दी शक्ल विगड़ सी तो उसले जदा ओदे कन्ना ते केड़ी किताब दी आवाज आई सी मलूम हुंदा 70 पौला झल के आया बैठा ते मोमिन आदमी अगे जे परेशान होवे कुरान सुनदा वेंदा है ओदा चेहरा अल्लाह शाश बशाश कर छोड़ेगा ते मेरा मुहम्मद पाक असा तैनू कुरान दिता है वाहदहू इस कुरान नाल मसला तौहीद दा बयान कीता केड़ा मसला बोलो ते सब तू कड़वी है ये तौहीद जिथे बंदा सारी दी सारी आबादी नूं आखे मियां जो मर्जी आंदा ने कर लियो ला मेरी हिक्का ना आई ने मैथों हा नहीं हो सकदी पहले दिन तू आखे ला इस च हा दी गुंजाइश नहीं हो सकदी ते अगले बंदे नूं पता होवे कि ए अपनी गिच्ची लहा सकदा है मगर अपनी ना तू फेर उत्थे मुड़ उस बकवासात ही करने होंदे न इल्जामात ही लावणे होंदे हैं बोतानात भी लावणे होंदे हैं ताकि उसनू बदनाम किया जाए बदनाम इंज दा किया जाए कि लोग आखन के वाकई यार ये कोई बड़ा महाज अल्लाह झूठा है शरारती है बद अमन है ये जादूगर है ये उत्ते जादू हो चुका है ये बिशौलिया मारदा है अल्लाह फरमांदा सारी दुनिया तेरे उत्ते बकवासात करने वाली होवे वल्लाहु यासिमुक मिनन नास तू साडी दित्ती होई ना ते कायम तू रहे ते सारी दुनिया दे बकवासात कोलो महफूज मैं अल्लाह आप तेनु रख छोड़ना है तेरी इज्जत नु मैं दागदार नहीं हूं हिक्को बंदा ला नु छोड़ेंदा है ते कहे खाते दे नहीं लाता हिक्के ला नु फद लैंदा है अल्लाह दोवां जहाना दी इज्जतां दे सहरे नसीब फरवा छोड़ेंदा है आओ हुण मेरे ख्याल दो मिसालां नाल तुहानूं मसला समझाइए कुरान पाक ने फरमाया इन्न लकुम फिल अनआम लइबरतन नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही दरवाजा खोलो जा मिन बैन फर्सन वदमिन लबनन खालिसा तवज्जो करे
गौरो फिक्र करया है अल्लाह दी दसी हुई बयान कीती हुई मिसाल दे अंदर अल्लाह फरमांदा है थोड़ा जिया गौर करो इन्ना मच्छी ते गाई भेड़ा बकरियां दे अंदर असा वेखो किवें साफ शफाफ करके तुहानू इन्हां दे थणां विचों दुध नसीब करे ने मगर दुध पीवण तो पहले दुध इंजे नहीं आंदा जब तक मादा दा करास नर नाल ना हो जावे समझे ते पए हो नर ते मादा नू आपस च जुफ्त कीता जांदा है ना बगैर जुफ्त वाली दुध नहीं देंदी के पींदे रहंदे हो मुजक्कर और मुअन्नस यानी नर और मादा इन्हां नू जुफ्त कराया जांदा है जदा वो हमल ठहर वेंदा है उस मादा दे अंदर बच्चा पैदा होंदा है उस तो बाद उहदे थणे चों के निकलदा है वो जब तक आपस दे अंदर मिलन नहीं तो दुध तैयार हो सकता है वो करमा लो इं तो करो हो सकता है दुध अल्लाह करीम ने मसला ए समझाया कली दुध ही मझ कली मझ भी दुध नहीं दे सकती ते कला नर भी दुध नहीं दे सकता ए दोहे मिलन ते दुध तैयार होंदा है इन्ने अल्लाह ने मसला ए समझाया कली हदीस नाल भी ईमान नहीं मिलदा कले कुरान नाल भी ईमान नहीं मिलदा जे ईमान लेना है ताक्या कर तो ही दो सुनत उस वक्त ईमान मिलने जद कुरान भी मिलने ते हदीस रसूलुल्लाह नु भी मिलने अल्लाह फरमांदा ला इलाहा इल्लल्लाह भी मान ते अगो भी पर मुहम्मद रसूलुल्लाह इन्हां दोहां दे उत्ते ईमान रखे ते तां तेरे दिल च खालस ईमान आवणा गल दी समझ आई कि नहीं आई अल्लाह फरमांदा है मगर जदाए दुध दे मांदा है ता अल्लाह ने किवें किवें छाने लगाए तू तो मुख्तलिफ किस्म दियां गिज़ावां खवाया है कौड़ियां खवाया ने मिठियां खवाया है सारियां रंगालियां खवाया है ओनू वंडा खवाया है ओनू खल खवाइए पेवे वाली खवाइए सरे वाली खवाई ये सारा कुछ खवाइंदा पिया है मगर दुध तामा फोज रहा है जदो मैं अल्लाह ने कुदरत आला छाना लगाया है ये छाना ना लगा होया हुंदा ता दुध महफूज कोई ना रहना अल्लाह फरमाइंदा है जे ईमान नु महफूज रखड़ी ता छाना तैनू लावना पवना है वेखना है मेरे मुहम्मद दी सुन्नत केड़ा दुश्मन है छाना लावना पवना है मेरी तौहीद दा केड़ा दुश्मन है छाना लावना पवना है जुए मुशरिफ दी कुठी है या मोमिन दी कुठी है हराम ते हलाल करने आला छाना भी तैनू लावना पवना है तैनू हराम खावण तो ही बचना पवना है ते दुध ते ईमान दे मुखालफीन कोल भी बच के रहना पवना है ए मैं नहीं पिया मना करेंदा बल्कि दूसरे मकाम पे अल्लाह दे कुरान ने फरमाया है अल्लज़ीना आमनु वलम यलबिसू ईमानहुम बिज़ुल्म उलाइका लहुमुल अमनु वहुम मुहतदून ईमान
ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਮਯਲ ਬਿਸੂ ਈਮਾਨ ਬੇਜ਼ੁਲਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸ਼ਰਕ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਿਰਕ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਝੂਠ ਤੇ ਗੀਬਤ ਤੇ ਜ਼ਨਾ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਕੁਮਾਰ ਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਹਰਾਮ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਈਮਾਨ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਣਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਛਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਈਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਈਮਾਨ ਦੇ ਮੁਖਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਦੀ ਮੂਮਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਖਲੀਲ ਉੱਲਾ ਨੂੰ ਜਦਾ ਕੌਮ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇਬਰਾਹੀਮ ਇੰਜ ਤੂੰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੁੱਟਾ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੁੱਸਿਆ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਸਾਡੇ ਰਲਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਮਕਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਅੱਗੋ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬਤਾ ਬੈਨਾ ਵਬੈਨਕੁਮ ਅਲਅਦਾਵਤ ਵਲਬਗਜ਼ਾ ਅਬਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮੁਸ਼ਰਕ ਰਹਿ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਾਡਰ ਈਮਾਨ ਵਾਲਾ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹ ਬਾਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਮਾਨ ਤੋਹੀਦ ਉੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਸਾਰੀਆਂ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਬਰਾਈ ਤੈਨੂੰ ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਲ ਇਹ ਬਾਤ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਬਾਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੌਹੀਦ ਸੁਨਨਤ ਦਾ ਛਾਣਾ ਲਾਉਣਾ ਪਊਸੀ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਅੱਲਾ ਛਾਣ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਆਖਦਾ ਮੈਨੂੰ ਈਮਾਨ ਵੀ ਛਣੇ ਹੋਇਆ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਰੱਲਾ ਮਿੱਲਾ ਬੋਲੋ ਨਾ ਹੋਵੇ ਭਾਈਓ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਅਕਲ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੋ ਵਜੂਦ ਪਿਓਵਾਂ ਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਜੇ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਬਣਾਵਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਵੇਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਰੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੇਰੀ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇਂਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗੈਰਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇਂਦੀ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਸੋਚੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗੈਰਤ ਹੈ ਇਹ ਗੈਰਤ ਦਾ ਕਤਰਾ ਵੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬੋਲੋ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਗੈਰਤ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਬੰਦਾ ਉਸ ਨਾਲ ਕਹੇ ਹੋਰ ਮੋਏ ਜੀਦੇ ਨੂੰ ਰਲਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਗੈਰਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਸਮ ਚਾਹ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹਰ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ ਸਾਂ ਮਗਰ ਮੁਸ਼ਰਕ ਦੇ ਸ਼ਿਰਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਫ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਇਸ ਮੇਰੀ ਕਿਬਰੀ ਆਈ ਵਾਲੀ ਚੈਦਰ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਮੇਰੀ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਇਸਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹਰ ਗੁਨਾਹ ਮੈਂ ਰੱਬ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ ਸਾਂ ਮਗਰ ਮੁਸ਼ਰਕ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ
چلو خیر بارہ ان لکم فی الانعام لعبرۃ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرس ودم. اللہ فرماندا اس غذا نال گوبر تیار ہو گئی، پیشاب تیار ہو گیا، تیسرا وہ خون تیار ہویا. کہ جاؤ بولو. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جداں ماں دے رحم دے اندر نطفہ ٹھہردا ہے، باپ دے نطفے نال اللہ بچے دے اعضاء ہڈیاں تخلیق فرمائیندا ہے. کہ فرمائیندا ہے؟ ہڈیاں اعصاب. تے جڑا ماں دا نطفہ ہوندا ہے اس دے ذریعے اس دا اے گوشت پوست خون تیار کرتا ہے، جڑے جسم تے وال ہوندے ن وہ تیار کردا ہے، یعنی دو رلن کامل درجے دا انسان بن گیا. کہ بنے او بولو تو صحیح ہے، اتو تو نہیں ڈھہ کے آیا بیٹھے، انہیں ہی جم کے آیا ہے نا، سارے انہیں جمے ہیں، انسان بن گیا. تو اللہ فرماندا ہے گوشت ہوندا ہے باہروں، ہڈی ہوندی ہے، ہڈی کتھے ہوندی ہے؟ اندر ہوندی. اللہ فرماندا ہے جے اندر دی ہڈی تیار کرنی ہے نا ایمان والی، او قرآن نو سمجھ لائے، باہر والا پھل لاونا ہی تو میرے محمد دی سنت نو سمجھ لائے. اندر ایمان والا پودا لگا، باہروں پھر پھل لگا تا سنت محمد الرسول اللہ دا لگا. تو خیر بہرحال خون تیار ہو گیا، گوبر تیار ہو گئی، پیشاب موتر تیار ہو گیا، مگر ان تین دے وچوں چھان کے لبنن خالص ہے. چھانے واسطے وچوں کے نکلے ہے لبنن، صرف لبنن نہیں فرمایا، اگوں نال فرمایا خالص ہے، دودھ بھی دیتا ہے تے خالص دیتا ہے، بغیر ملاوٹ دے دیتا ہے. ملاوٹ ہور تو ہور رہ گئی، مڈو اسا کہیں شاید ذائقہ ہی نہیں آوان دیتا، دودھ دا اپنا ہی ذائقہ ہوتا ہے. تو اللہ فرماندا ہے جدہ تسا پیندے ہو سا غل شاربین، بڑا تو مزہ آ رہا ہوتا ہے جدہ پی رہے ہوتے ہو، مگر آج کل مزہ دودھ نالو پاؤڈر ڈھیر ہوتا ہے، ملاوٹ. اندازہ لگاؤ جداں بندے نے ایمان اچ ملاوٹ کیتی ہے اس وقت اتنا بےغیرت نکلیا کہ رب دیاں نعمتاں دے اندر وی ملاوٹ کرن تو رہا نہیں. جنہاں نعمتاں نو خالص تن اللہ نے بیان قرآن اچ فرمایا، اج مسلمان سلیمن والا اس اچ وی پانی رلاوڑ تو کھلوندا نہیں. تو جدا اللہ دیا نعمتوں دے اندر ملاوٹ کر رہے ہیں خالص ایمان اینو کتھوں لب سکتا. خیر بہرحال نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرس ودم لبنا خالصا. ان ترائے گندگیاں کو بچا کے اساں تانوں خالص دودھ نصیب فرمایا. جدوں پیندے پیو اس وقت بھی تو تانوں خیال کرنا چاہیے مجھ تک کالے رنگ دی ہے، مگر دودھ رب نے سفید کلر دا دیتا ہے، اے دے اندر کیڑی کئی مشین لگی کھلی ہے، موتر دا الگ، خون دا رنگ الگ، گوبر دا رنگ الگ، تے دودھ دا رنگ الگ. اللہ فرمائیندا ہے ول کمال ہے اے مجھ جڑی ہے، اے میں رب دے حکم دے اونے قائم کھلوتی ہے، اے تے تھن جدا دودھ نہ
ਕੋਲ ਪਰੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖਲੋਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਥਣ ਫਟ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਹੈ ਮਗਰ ਥੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਵੀ ਦੁੱਧ ਥੱਲੇ ਵਿਟੀ ਮਣ ਦੇਂਦੀ जब तक तू ओनू आप वन के नपीड़े ओ तोड़ी विचो तार नहीं निकलती। अल्लाह फरमांदा है थोड़ा जिया अकल तो इस्तेमाल करिया जेड़ी मज दे थन नू संगाई बैठा है ए दुध नाल भरे खलोते हैं ते ए थन दा मुंह वी तल्ले है ते सुरा जड़ा सथना विच पाया है ओ सुराख दा मुंह वी तले है जरा इसे गल नूं ही सोच लवेआ भावे सारी दुनिया दे पीरां दे फोके ते मंत्र ते टोणे टपले वे चला लवेआ कदी कैद तवीज नाल मझ दा थण दा मुंह खोल सकदा कोई नाई क्योंकि मैं मझ नूं हुकम जिवें दिता है ओ उसे ते पाबंद है मगर मुशरक नूं मैं अल्लाह ने तीन सिपारे आला खजाना कुरान आला घर चा के दिता है इहनूं इतनी भी अकल नहीं आंदी कि मझ नूं जिहड़ी जात अल्लाह ने खलारिया है ओ तो उसे ते कायम है मगर तू इंसान सदा के अल्लाह दी कहे गल ते खलोण वास्ते तैयार नहीं है। अल्लाह ने मसला ये समझा दिता है ये सारी दुनिया दिया करने वाली सरकारा रल मिल के भी आ जावे तो मझ दे थण दा सुराख ही नहीं खोल सकते ते तैनू जदा धी ते पुत्र देवना होवे तो उस वक्त भी फैसला करन वाला कौन बोलो जेड़ा एक मझ दे थान दे सुराख दा भी मालिक नहीं है ओ तेरी मेरी जिंदगी दे फैसलियां दा मालिक कोई नहीं है। हत्ता के अल्लाह करीम ने त्राए एक गंदगियां दा जिक्र करके आओ हुण इत्थे एक मफहूम हजरत अल्लामा अहमद सईद खान साहब सारे खुरामतुल्लाह ताला अलै ओ फरमाइंदे आं के अल्लाह करीम ने गोबर भी पलीता है खून भी पलीता है ते मूत्र भी पलीता है इन्ना पलीतियां कोलू बचा के अल्लाह ने दुध खालिस दिता है। इन्हें वादियां यहूदी भी पलीत है ईसाई भी पलीत है मुशरक भी पलीत है जिन्हें उन्ना पलीतियां जो अल्लाह ने खालिस दुध कढ़िया है इन्हें इन्ना तिन्ना पलीता को बचा के खालिस मुहम्मद रसूलुल्लाह नूं रखिया है जिवें ओ पलीतियां दा असर दुध ते नहीं चल सकिया इन्हें किसे यहूदी दियां धीआं दा जादू दा असर भी मेरे मुहम्मद ते चल सकिया नहीं है जिवें उन्हां दी गंदगी दुध ते मुअसर नहीं हो सके इन्हें खालिस मेरे मुहम्मद दे पाक वजूद ते किसे यहूदन दा जादू ही चल सकदा नहीं है जिवें दुध पाके इन्हें क्यामत तोड़ी मेरे मुहम्मद वजूद भी पाक है लिहाजा अल्लाह करीम ने मिसाल दे के समझा दिता है जिहड़ा बंदा होर भी मेरे मुहम्मद वजूद उत्ते किसे शैतान ते काफिर दे जादू दा असर मनेंदा है ओ किसे डंगर दी नसल दा ता हो सकदा है मेरे मुहम्मद मनन वाला नहीं हो सकदा क्योंकि मुहम्मद दा वजूद भी पाक है पैगंबर दी सूरत ते सीरत भी पाक है पैगंबर दी खसलत ते आदत भी पाक है पैगंबर दा उठना ते बहना भी पाक है पैगंबर ते अमर वाली नबूवत और रिसालत भी पाक है पैगंबर दी जसामत मलाहत सदाहत किराअत तिलावत भी पाक है पैगंबर दे दिल मुकद्दस ते अमर वाला
कुरान भी पाक है, पैगंबर की जुबानों बयान लिसान भी पाक है, पैगंबर का उठना ते बाना ते खाना ते पीना ते रोना ते सोना ते हसना ते बाना, मेरे पैगंबर की हरकत ते फरकत ते सकून भी पाक है, मेरे पैगंबर की कील ते काल भी पाक है, मेरे पैगंबर का यमीनो शमाल भी पाक है, मेरे पैगंबर की खसलत ते किरदार भी पाक है, मेरे पैगंबर का इयाबो जियाबो किताबो खिताबो बयानो लिसान भी पाक है, मेरे पैगंबर की तकरीरो तहरीरो तंजीरो तबशीर तस्वीर भी पाक है, मेरे पैगंबर का इयाबो जिहा भी पाक है, मेरे पैगंबर का उसरत ही उसरत फिक्र ते फाकर ते नजर ते अज़्म भी पाक है, मेरे पैगंबर की तकम्मुल तजम्मुल तनवर तखशो तखशो तहसुन तनवर तकरम तनजो तहुर तकद्दस भी पाक है, सारा मेरा मुहम्मद पाक है, ते जेड़ा पाक पैगंबर दे पलीत जादू दे असर दा तसव्वुर भी पैदा करे ओ खुद ता हराम दा हो सकदा है, कदी मेरे मुहम्मद दी पाकी दे अंदर फर्क क़यामत तोड़ी नहीं आ सकदा। अल्लाह करीम ने साबित कर दिता है कि मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने चूंके खुद भी खाले से ते ओदे दिल मुकद्दस उत्ते आवण वाला कुरान भी खाले से, लिहाजा मेरा पैगंबर हुड़ा को हुक्म केड़ा पिया देना है, फदुल्लाह सदना भी ने तके करके बोलो, पंजा दहाड़ा नहीं है, बारह दा वास्ता नहीं है, कहीं दा मुहाबा नहीं है, कहीं जींदे ते मोए नूं लावण दी जरूरत नहीं है, ओ मुसलमानो यारो पता नहीं जिंदगी दे अंदर पता अगला जुमा भी अल्लाह नसीब फरमावे या ना फरमावे, मगर अल्लाह दा वास्ता ही ने ए बड़ा खुश नसीब वाला मौका ही ने, अल्लाह दा मेहमान रमजान आ गया है ते खादिम तुहानू रब दा कुरान बैठा सुनाईंदा है, अल्लाह दे कुरान नाल मोहब्बत पैदा करो, अल्लाह दे कुरान नाल ताल्लुक पैदा करो, अल्लाह दे कुरान नाल जोड़ पैदा करो, अल्लाह दे कुरान नू समझण दी कोशिश कीती करो, मोहब्बत ए नहीं होंदी कि मुल्ला नू छड के चार कुल पढ़ा लै कुल खानी ते तीजा ते सत या खत्म पढ़ा छोड़ना, कबरा ते कुरान पढ़ा छोड़ना, नवा घर पाया ते कुरान पढ़ा छोड़ना, ए मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत दिल दे अंदर रख के दुनिया एक पासे होई खलोती होए, तू धर रब दे कुरान दी कर ते आ सारे मुल्ला झूठे हो सकदे हैं, सारे मौलवी बेईमान हो सकदे हैं, सारियां जमातां काफिर हो सकदियां हैं, सारी दुनिया झूठी हो सकदी है, मगर मोहम्मद ते मोहम्मद दा कुरान गलत नहीं हो सकदा। ए बंदा अगर दिल च गठ बन लवे खुदा दी कसम कदी शैतान तेरे ते असर कर सकदा ही नहीं है, जदा रब दे कुरान तो बंदा फट वेंदा है उस वक्त ओदा हथ शैतान दे हथे आ वेंदा है, इंसान नू अल्लाह अल्लाह लहू मुअक्किबातुम मिन बैन यदैहि व मिन खल्फिही यहफ़ज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह, अल्लाह खुद फरमांदा, अल्लाह फरमांदा है जेड़ा मोमिन बंदा होंदा है ना मुअक्किबात ओदे अगे मिन बैन यदैहि ओदे सामने सज्जे खब्बे यहफ़ज़ूनहु, मैं अल्लाह करीम अपने फिरिश्तिया नू बतौर हिफाजत दे ओदे अगे पिछे टोर छोड़ेदा होला, जिंदी हिफाजत फिरिश्ते वदे करेंदे होवेन ओदे उत्ते शैतान दा जादू चल सी, बोलो ना यार, कुछ ने पबूलेंदे कि नहीं डरे ते नहीं बैठे करें, कुछ नहीं होंदा अल्लाह दी कसम, मगर शर्त है दिल खालिस होवे अंदर ईमान होवे, अल्लाह है मैं ओदे अगे पिछे सज्जे खब्बे उत्ते थल्ले
يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ میں اللہ دے حکم دے تحت مومن بندے دی میرے فرشتے حفاظت کر رہے ہیں۔ تے جس بندے نو رب دی حفاظت تے یقین نہ ہوئے تے وات وی تویز گل گدی ودا ہویا تے ستا پشتیا حلالی جے نو خدا دے باڈی گارڈا تے اعتبار کوئی نہیں۔ او سمجھ آندی پئی نے کہ نہیں؟ اوہو چلو ایک مثال رہ گئی زندگی رہی تے اگلے جمعے انشاءاللہ سنے سو۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔